हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिवास कुक शो। फ्रेंड्स, दिवाली इज ऑन द वे, तो चलिए इस दिवाली रिश्तों में मिठास घोलते हैं स्पेशल मिठाई के साथ। लेट्स मेक स्पेशल शाही मावा गुजिया ऑन दिस दिवाली। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बोल मैदा लिया है जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच घी का मोयन ऐड किया है। फ्रेंड्स, हमें इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स एंड मर्ज करना है ताकि एक क्रम्बल टेक्सचर मिले। देखिए, ये मुट्ठी सी बन रही, मतलब मोयन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें एक नॉर्मली टाइट आटा लगाना है और फिर इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए, एक पैन में मैंने 2 चम्मच घी गरम किया, उसके अंदर मैंने थोड़े से आमंड्स और कैशूज को रोस्ट कर लिया और थोड़ी सी किशमिश ऐड करके उसे भी रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैं उसी पैन में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूंगी और उसे भी भून लूंगी। उसके बाद में 2 से 3 चम्मच सूजी ली है फ्रेंड्स, और उसे भी मुझे हल्का सा गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। ये तीनों चीजें रेडी हो गई है और आमंड्स और कैशूज को मैंने चॉप कर लिया है रफली। नाउ लेट्स मिक्स द फिलिंग। एक बड़े बोल में मैंने लगभग 200 ग्राम्स मिल्क केक यानी कि मावा लिया है, उसके अंदर मैं डेसिकेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स और सूजी, ये तीनों मिक्स करूंगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला और इस फिलिंग को हम अच्छे से बाइंड कर देंगे। चलिए, अब हम जो हमने आटा लगाया था उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर, पेड़े बनाकर अलग से रख देते हैं। अब हम एक एक करके इन्हें रोल आउट करेंगे। फ्रेंड्स, इस रोटी की थिकनेस ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी। अब हम लोग लेंगे गुजिया का साँचा और उस हमने बेली हुई रोटी को उसमें प्लेस करना है। चारों तरफ से हमें इसे पानी लगाना है और सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग रख के हम इसे अच्छे से पैक कर देंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो गुजिया फट सकती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी गुजिया बनकर निकली है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे और उसके बाद बारी आती है इन्हें डीप फ्राई करने की। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम गुजिया को तेल में डाल देंगे डीप फ्राई होने के लिए। पर थ्रू आउट हमें स्लो फ्लेम पर गुजिया को फ्राई करना है और बीच बीच में स्टर करते करते हम गुजिया को फ्लिप करते रहेंगे। लुक एट द ब्यूटिफुल गोल्डन कलर, नाउ इट्स टाइम टू टेक देम आउट। चलिए, ये तो बन गई। इसी तरीके से हम सारी गुजिया प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ टाइम टू प्रिपेयर द शुगर सिरप। एक पैन में मैंने 1 कप पानी गर्म किया है जिसके अंदर मैंने 1/2 कप शुगर ऐड किया है। हम इसका शुगर सिरप बनाएंगे फ्रेंड्स। उसके अंदर मैंने केसर और इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। जब हमारा थिक शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाए उसे हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इन गुजिया को इस शुगर सिरप में डिप करेंगे। हमने गुजिया को सिरप में डिप कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, हमारी रसीली शाही स्पेशल मावा गुजिया बनकर रेडी है। ड्राई फ्रूट्स और रोज पेटल से हमने इसे गार्निश कर दिया। एंजॉय करिए, ये देखिए मावा की स्टफिंग। I'm sure you are gonna love it. Friends, इस 1 कटोरी मैदा और लगभग 200 ग्राम मावा से हमारी 10 से 12 गुजिया प्रिपेयर हो जाती है। I'm just loving it. So enjoy this amazing treat this Diwali and don't forget to like and subscribe.